साई की बात। बच्चे इस नए साल पर तुम शिरडी आ रहे हो, मेरे बच्चे आ रहे हो। तुम्हारा मन था ना, तुम्हारा दिल था कि साई मुझे शिरडी आना है, तो ठीक है मेरे बच्चे तुम आ रहे हो। तुम्हारे साई ने सारा इंतजाम कर दिया है मेरे बच्चे, तुम शिरडी में रहकर ही अपना नया साल बनाओगे, अपने नए साल की शुरुआत करोगे। और जब वहाँ से लौटोगे ना, तो ढेर सारा आशीर्वाद देकर लौटाऊंगा तुम्हें, बहुत सारी खुशियाँ देकर मेरे बच्चे। और इस बार तो क्या, तुम हर साल तुम शिरडी आओगे, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। और हर साल अपने साल की शुरुआत तुम मेरे चरणों से, मेरे शिरडी दरबार में किया करोगे, और ढेर सारा ना आशीर्वाद देके जाया करोगे हर साल के लिए। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इस साल मकान खरीदेंगे, अपना मकान होगा उनका, उनके सर पर खुद की छत होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तुम्हें, इस साल के अंदर अंदर तुम्हारा मकान तुम्हारा खुद का होगा, तुम्हारी खुद की छत होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब ये मकान बनाओ ना मेरे बच्चे, तो उस मकान में मेरा स्थान जरूर बनाना मेरे बच्चे, अपने साई का स्थान जरूर बनाना। मैं जहाँ पर विराजित होता हूँ ना मेरे बच्चे, बस वहाँ पर तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उस घर में बरकत ही बरकत होती है, ध्यान रखना। और कुछ मेरे बच्चे मेरी चरण पादुका लाना चाहते हैं, तो ले आओ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है, ले आओ मेरे बच्चे, और मेरी स्वीकृति भी है, जाओ ले आओ, लाना चाहते हो ना, ले आओ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें लग रहा है कि वो फंस चुके हैं, बुरी तरह वो किसी संकट में फंस चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे चिंता मत करो, तुम वहाँ से निकल जाओगे, मैं हूँ ना, जब मैं हूँ तो किस बात का डर है तुम्हें, मैं वहाँ से तुम्हें निकाल लूंगा मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत, और अपने साई का नाम जाप किया करो। जब भी डर लगता है ना, मन में घबराहट होती है, तो मेरा नाम जाप किया करो, तुम्हें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, और तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम वहाँ से आसानी से निकल जाओगे, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा मेरे बच्चे, इतना मत डरो, इतना मत घबराओ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से ना मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। वो जिस तरह से अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं ना, उन्हें कपड़े देते हैं, उन्हें बिस्किट खिलाते हैं, उनकी भूख को तृप्त करते हैं, और उन्हें दूध पिलाते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं ना, तो उनकी सेवा से ना मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न। जो मेरे बच्चे निस्वार्थ भाव से उन जानवरों की जो सेवा कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और तुम जानते हो, कहीं ना कहीं तुम बहुत दुआएं कमा रहे हो, उस बेजुबान जानवर की जो तुम दुआ कमा रहे हो ना मेरे बच्चे, वो दुआ तुम्हें कहीं ना कहीं देखना वो लगेगी जरूर, और वो तुम्हारे बहुत अच्छे काम आएगी, देखना मेरे बच्चे, वो दुआ तुम्हें बहुत लगेगी, और वो तुम्हें बहुत फलेगी फूलेगी मेरे बच्चे, आगे तुम तरक्की के रास्तों पे चलोगे, देखना मेरे बच्चे। और जो तुम्हें छोड़कर गया है ना मेरे बच्चे, देखना एक दिन वो जरूर पछताएगा, वो जरूर पछताएगा, क्योंकि उसने जो छोड़ा है ना, जो उसने खो दिया है, वो नहीं जानता, वो अभी मूर्ख है मेरे बच्चे, वो अभी नहीं जानता कि उसने क्या खोया है। तुम तो एक अनमोल हीरा हो, एक दिन वो जरूर पछताएगा, और उसे अपनी गलती का एहसास होगा, और तुमसे माफी मांगेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जिसको तुम दंडित करना चाहते हो ना, तुम चाहते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उन्हें मैं दंड दूं, तो वो होगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम अपनी आंखों से देखोगे, देखना तुम। और कुछ अपने बच्चियों से बोलना चाहता हूँ मैं, जिनसे वो शादी करना चाहती है ना, और जिनके लिए वो बहुत जतन करती है, मुझसे जिद भी करती है, तो मेरे बच्चे वही होगा जो तुम्हारा साई चाहता है, वही होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर होगा। तुम्हारे साई तुमसे बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे, बहुत प्यार करता है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मैं वही करूँगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है मेरे बच्चे। अपने साई पर भरोसा रखो, विश्वास रखो मेरे बच्चे। और सुनो, कोई है तुम्हारे परिवार में ऐसा जो तुम्हें मानसिक तौर पर हमेशा परेशान करता है, तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी करता है ना, तो जब भी वो तुम्हारे आसपास हो, तो मेरा नाम जाप करना शुरू कर दिया करो, फिर देखना वो नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकेगी। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज